रेसलिंग कंपटीशन के लिए तैयारियां फुल ऑन टॉप चल रही है। तो विल रिकॉर्ड कल वाला जो कंपटीशन होगा, मैं और आर्यन भाई ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, एंड देखते हैं कितनी वेट कैटेगरी होती है। बहुत झंझट है यार, बट विल फाइनली फाइंड आउट। अर्शाला ब्रश करके आ रहा है, इसी से वेट की बोल देने आया मशीन, ताकि वेइंग कर पाएँ बच्चों का। उसके बाद जो जो कम्पीट कर रहा है उनको फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कल, ठीक है। भाई एक और हॉस्टल बन रहा है, बेसमेंट तैयार है भाई। लगभग अपनी जाकिर की बिल्डिंग का आधा खुल गया है आराम से, कम से कम 6 फ्लोर इतना खुल गया है। खतरनाक। हम भी रिसेंटली आए थे आर्म रेसलिंग का टेबल देखने, एकदम से यार शॉक हो गया भाई, ये क्या खड्डा हो गया भाई। फाइनली अब जा रहे हैं हम टेबल अरेंज कराने, मैं और आर्यन भाई। यस ब्रोस, फिर कराएंगे कंपटीशन आज, ठीक है। अच्छा बता नहीं, मैं अच्छा बोलता हूँ आज, पता नहीं मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे। एक्साइटमेंट इतनी भरी हुई है यार माइंड में बहुत। अभी बाइक पे जाएंगे, आर्यन बाइक चलाएगा, आर्यन की बाइक है वो, दूसरे आर्यन की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अभी रिसेंटली बहुत कंपटीशन चल रहा है रग्बी एंड ऑल की, और अब हम अपने कोच को ढूंढ रहे हैं। ये क्या काम मिलेगा, इतनी खुशी। हाय, बस ठीक है, काम मामला तो हो गया। इसको सेटअप वगैरह करना आता है? हाँ भाई, बहुत खतरनाक वाली खुशी हो रही है। अभी हॉस्टल्स में रोज आर्म रेसलिंग के ब्लॉग आएंगे, स्टे ट्यून भाइयों। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज आर्म रेसलिंग का, बट द रीजन व्हाई टेबल नहीं होता था। और हाँ, अभी रिसेंटली एक लीग हुई थी प्रो पंजा लीग, यहाँ पर तो उन्होंने छोड़ के गए वो लोग। यहाँ पर पैड छोड़ो, टेबल मिल गया, बहुत बड़ी बात है। भाई अलग ही वाइब हो रखी है यहाँ पर। फाइनली बस आर्यन की कटिंग हो रहा है, उसके बाद शुरू करते हैं मैचेस। क्या सीन है, क्या नहीं, फ्रिक्शन एंड ऑल तो हमने बना लिया है। ये NC3 का सलून है। सो गाइस, मैं दो व्लॉग इसमें स्प्लिट होने वाले हैं, क्योंकि मैचेस का अलग से व्लॉग होगा, सो देयर बहुत लंबा हो जाएगा। सो दिस इज अ फाइनल यू नो प्रो टिप फॉर द ऑर्गेनाइजर, हूसोएवर इज वांट टू यू नो ऑर्गेनाइज द आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन अपने हॉस्टल्स में, कॉलेज में। तो बेसिकली सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है कि आप किस किस वेट कैटेगरी में आर्म रेसलिंग कम्पीट करवाने वाले हो। उसके बाद आपको स्प्रेड करने के बाद गूगल शीट बनानी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। एंड वी आर हैविंग 30 से ऊपर पार्टिसिपेंट सो फार, उसमें मैंने 4 कैटेगरी डिवाइड करी है मैंने और आर्यन ने। अंडर 65 आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स किस किस कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका वेट स्प्लिट होगा, ठीक है। अगर किसी कैटेगरी में बहुत ही कम बंदे हैं तो उसमें फिर कराने का फायदा नहीं है, अगर 2 या 4 ही बंदे हो रहे हैं। हाँ, फिर डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि हमने विनिंग प्राइस भी रखा 500 और ओवरऑल विनिंग प्राइस होगा 1000। तो उस हिसाब से जैसे वो जो ओपन कैटेगरी थी उसमें अभी तक 4 बच्चे ही आए हैं जो 85 अबव है, तो मैं 4 कैटेगरी बता देता हूँ। अंडर 65 kg वेट कैटेगरी, उसके बाद 66 to 74 वाला एक अलग है, उसमें जितने बच्चे हैं उसमें 15 के आसपास है बच्चे, 76 to 84। yes. फिर 85 से ऊपर जितने हैं वो एक कैटेगरी है, तो ये हमने 10-10 का रेशियो रखा है। तो हाँ, इसको करने के बाद फिर हमने एक टेबल अरेंज किया है, जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत की हमने, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ, पता नहीं वहाँ पर स्टोर रूम में रखा हुआ है इन लोगों ने, हमने कैसे ना तैसे करके तो फिर वो अरेंज करवाया। परमिशन लिखकर वार्डन से थोड़ा सा वो करके हम लोगों ने वहाँ जाके आगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेके अपना नाम और नंबर लिखवा के उसके बाद हम लोग आ पाए। और तुम बोलते ना बहुत ईजी होता ऑर्गेनाइजर, दिस इज द एग्जैक्ट रियलिटी। सबसे ज्यादा आपको टाइम लगेगा फिक्स्चर्स बनाने में, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो ऐसे मैचेस खेला है तो फिर तो आप बना लेंगे, लेकिन हम लोग के पास ऐसा कोई नहीं था। तो हम लोगों ने एक बास्केटबॉल जो उसका रूममेट है उससे हेल्प ली थी। मेन पर्पज ऑफ टू मेकिंग दिस वीडियो इज सिंपल, कि सबसे पहले आपको अगर ऑर्गेनाइज कराना है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है कि आप क्यों आर्मी रेसलिंग करवा रहे हो अपने हॉस्टल में, कॉलेज के आसपास या फिर कहीं भी करवा रहे हो। फिर उसके बाद आपको वेट कैटेगरी डिसाइड करनी है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि फ्रिक्शन कैसे होगा, कितने राउंड होंगे एक वेट कैटेगरी। आर्मी रेसलिंग के लिए नहीं, कोई भी 1-on-1 टूर्नामेंट है जिसमें बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक्सपीरियंस था जो बास्केटबॉल प्लेयर्स के जितने भी टीम्स के अंदर फ्रिक्शन बनते हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 9 प्लेयर्स हैं, 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें से 7 को बाय मिलती है और 2 जनों का कॉम्पिटिशन होता है। तो 9 में से 7 बच गए जो बाय मिल गए, उनके बाद में जो 2 में से कम्पीट होगा उसमें से 1 बचेगा, तो वो खेलेगा
दूसरे वाले के साथ ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है. वी फाइनली सॉर्ट आउट कि हमने कैसे फ्रिक्शन बनाया. काफी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं, बहुत करने पड़ते हैं. उसके बाद और जिन्होंने सीबीएसई में पढ़ा है 9th और 10th में जिन्होंने बीएड ली है वो जरूर फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि उनके में राउंड रॉबिन और फिक्शियस मेथड जरूर हुए होंगे. तो यार दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू टू मेकिंग सच वीडियोस. तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी यू नो आइडिया मिला हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको भी कुछ पॉइंट आउट देने के आपके कॉलेज में कहां-कहां आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, कोई एनी टिप्स इफ यू वांट यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन. और कुछ पूछना है तो वी आर ओपनली हियर टू यू नो सॉल्व योर क्वेरीज. दैट्स ऑल. थैंक यू ऑल.